नमस्कार, नवक्रय बंधन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके धर्म पर, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। भारत एक सनातन धर्म का संस्कृति प्रधान भाग्यवादी देश है। जब हम अपनी ज्योतिष की, अपने ग्रहों की बात करते हैं तो देश के ऊपर भी थोड़ा दृष्टि हम डालें तो देश के ऊपर भी ग्रहों का प्रभाव साक्षात होता देखा गया आदिकाल से। मैं आपके साथ हर माह एक कार्यक्रम करता हूँ जो सूर्य के हर माह में राशि परिवर्तन से जुड़ा होता है, मास के मध्य 15-16-17 तारीख के आसपास, जिसे संक्रांति नाम से जाना जाता है। आज मैं आपके साथ सूर्य का वृश्चिक राशि में जो प्रवेश होने जा रहा है 16 नवंबर को दोपहर 1:03 से लेकर 16 दिसंबर तक रात्रि 3:44 तक, इसका तथा अन्य ग्रहों का असर भारत पे क्या होगा, ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें अब जो अन्य ग्रह स्थितियों में परिवर्तन आ रहे हैं इस प्रकार हैं। 21 नवंबर तक बुध तुला में रहेंगे, 21 नवंबर से 10 दिसंबर तक वृश्चिक में, 10 दिसंबर से लेके और 16 दिसंबर तक धनु में रहेंगे। शुक्र जो ग्रह देश के लग्नेश हैं, धनु राशि अष्टम भाव से निकलकर 8 दिसंबर को नवम भाव मकर राशि में चले जाएंगे। गुरु ग्रह जो देश के आयुष हैं छठे भाव में स्थित हैं, कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे नवम से दशम भाव में 20 नवंबर को रात्रि 11:01 तक। देश का शत्रु ग्रह मंगल जो द्वितीय भाव में बैठा है और 5 दिसंबर तक तुला में और उसके उपरांत वृश्चिक में जाएगा। तो जब देश की बात करें तो देश की कुंडली क्या है, हम किस आधार पर देश की कुंडली की बात करते हैं। देश का जन्म 15 अगस्त 1947 को हुआ है वृषभ लग्न में, मध्य रात्रि में दिल्ली स्थान को लेते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली है भारत की, लग्न में राहु है, द्वितीय भाव में मंगल है जहाँ 3 नंबर लिखा है, तृतीय स्थान में जहाँ 4 नंबर लिखा है सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र एवं शनि है। इनमें शुक्र एवं शनि अस्त ग्रह बुध अमावस्या के नज़दीक, चंद्र अमावस्या के नज़दीक पहुंच रहे हैं, अतः अत्यधिक निर्बल है। जहां 7 नंबर लिखा है वहां पे बृहस्पति हैं आयुष, जहां 8 नंबर है, जहां 7 सप्तम भाव में 8 नंबर लिखा है वहां केतु हैं। 15 अगस्त 1947 की देश की कुंडली है। वर्तमान में देश को 11 जुलाई 2021 से लेके 11 दिसंबर 2022 तक चंद्रमा दशा में बुध का अंतर चल रहा है। इस अंतर में देश को काफ़ी मुक्ति जो है कोरोना से मिल चुकी है। देश की, क्योंकि बुध देश की कुंडली में भाग्येश नहीं है परंतु धनेश है और सबसे प्रबल ग्रह है, इसे देश की आर्थिक तरक्की ठीक हो रही है। अब 16 नवंबर से 16 दिसंबर में देश को क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। 30 दिनों में देश चंद्रमा दशा बुध के अंतर और शुक्र के प्रत्यंतर से भ्रमण कर रहा है। देश की कुंडली में इस समय काफ़ी तनावपूर्ण कुंडली में काफ़ी तनावपूर्ण स्थितियों का, ग्रह स्थितियों का निर्माण हुआ पड़ा है। उसका कारण है देश की कुंडली में छठे स्थान में सूर्य मंगल बुध है, शनि की दृष्टि में बुधस्त हैं और शनि और मंगल का आपस में दृष्टि संबंध है, तो इसलिए अत्यधिक तनावपूर्ण स्थितियों का निर्माण हुआ पड़ा है। कुछ दशाएं भी कारण है। 19 नवंबर को देश की जनपत्रिका में वृषभ लग्न में कृतिका नक्षत्र में चंद्रग्रहण का प्रभाव देखने को मिलेगा, जो कि देश की कुंडली में लग्न में ही होगा। 4 दिसंबर को वृश्चिक राशि ज्येष्ठ नक्षत्र में सूर्य ग्रहण का प्रभाव देश की कुंडली में सप्तम भाव में देखने को मिलेगा। ये दोनों ही देश के, देखिए देश का जन्म देश की कुंडली में सर्प योग का निर्माण हुआ पड़ा है, लग्न में राहु सप्तम में केतु, सभी ग्रह जो है राहु केतु के बीच में, इसलिए सर्प योग बना पड़ा। कुछ लोग इसे काल सर्प योग भी कहते हैं परंतु वेद शास्त्रों में काल सर्प नाम का कोई विवरण नहीं है, इसलिए हम इसे ये कह सकते हैं कि सर्प योग का निर्माण हुआ पड़ा है। अब यदि बात करें तो स्वतंत्रता के उपरांत देश में लगभग 290 से 300 ग्रहण आ चुके हैं,
लगभग सभी ग्रहणों में देश में महत्वपूर्ण देश को घटना चक्र से गुजरना पड़ा, हिंसक घटना चक्र से गुजरना पड़ा है। हम देखते हैं ग्रहण या उससे कुछ समय पहले या बाद में बहुत बड़ी हिंसक अथवा चौंकाने वाली घटनाएं होती हैं। जैसे मिसेस गांधी की हत्या के कुछ समय हत्या कुछ समय ग्रहण के पहले हुई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार 6 जून को ग्रहण था, तो उससे 3-4 दिन पहले हुआ था। बाबरी मस्जिद के विध्वंस उसको जो उसका दिन था जिस दिन ये घटना चक्र हुआ था, 9 दिसंबर को चंद्र ग्रहण का, 6 दिसंबर को ये घटना चक्र हुआ था। और पार्लियामेंट अटैक जो था वो ग्रहण के बहुत नज़दीक हुआ था। और देश की कुंडली में जब भी ग्रहण आए, सूर्य या चंद्र, तो सूर्य ग्रहण राजनीतिक हिंसा के दौर से गुजरता है, चंद्र ग्रहण सामाजिक हिंसा, लोगों में तनाव लेके आता है। जैसे बाबरी मस्जिद का हुआ था या ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, तो तनाव से गुजरना पड़ता है। 19 नवंबर को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण देश में काफ़ी तनाव का निर्माण कर सकता है। इस ग्रहण में बुध ग्रह और ग्रहण के पॉइंट बुध ग्रह सम्मिलित है अन्य ग्रहों के साथ में, बुध ग्रह सम्मिलित है विशेष करके इसलिए, और ग्रह के पॉइंट पर मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी। चंद्र ग्रहण पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। किसान आंदोलन इस समय तेजी से चल रहा है जो मंगल से जुड़ा है, तो किसान आंदोलन हिंसक दिशा में बढ़ सकता है, एकदम हिंसक हो सकता है चंद्र ग्रहण के बाद से, 19 नवंबर के बाद से। ग्रहण के समय मंगल जो चल रहे हैं देश की कुंडली में, जो ग्रह स्थिति चल रही है, चंद्र महादशा में शुक्र का अंतर, चंद्र में बुध और बुध में शुक्र का अंतर चल रहा है छोटा सा, इसमें 16 से 19 नवंबर के मध्य, क्योंकि 19 को ग्रहण भी है तो उससे 2 दिन पहले भारी तनाव का समय होगा। यानी 16 से 19 नवंबर की बात करें, 19 को ग्रहण है तो 17, 18, 19 को भारी तनाव का समय होगा। इसी समय बड़ी दुर्घटना हो गई हो गए। इसमें 19 और 21 तारीख के मध्य भूकंप आना, बड़ी आतंकवादी घटनाओं का आना और भारत पाकिस्तान के तनाव में तेज वृद्धि होना संभव होगा। ये जो समय है चौंकाने वाला होगा और हिंसक भी होगा, हिंसक गतिविधियां चल रही होंगी। महाराष्ट्र, पश्चिमी दक्षिणी भारत, राजस्थान इत्यादि राज्यों में भारी तनाव का समय चल रहा होगा। जो ग्रहण है 4 दिसंबर चल रहा होगा, ग्रहण का पूर्व प्रभाव 4-5 दिन पहले भी आ सकता है। तो 19 का ग्रहण है तो 14-15-16 के आसपास से आ सकता है, परंतु विशेष करके 16 तारीख से तनाव का समय चल रहा होगा। 4 दिसंबर का सूर्य ग्रहण देश के सप्तम भाव में लगेगा, अतः भारी वर्षा, भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, सुनामी इत्यादि और आतंकवादी घटनाएं, समुद्री घटनाएं, समुद्री दुर्घटनाएं, भौगोलिक समुद्री दुर्घटनाओं इत्यादि से जुड़ा है, उनसे परेशानी हो सकती है। महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली, NCR, जम्मू इत्यादि क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश में भारी राजनीतिक तनाव और सांप्रदायिक माहौल और भावुकतापूर्ण समय चल सकता है, क्योंकि अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण पड़ता है और देश की कुंडली में चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्र जो है अमावस्या की भांति चतुर्दशी का निर्बल चंद्र है, रात्रि का जन्म है देश का, चंद्र की दशा चल रही है। तो चंद्र सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन पड़ता है, तो ये सूर्य ग्रहण भारी तनाव लेके आ सकता है। चंद्र ग्रहण का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है जो है 19 नवंबर का, पर 4 दिसंबर का सूर्य ग्रहण भी बहुत अच्छे प्रभाव देता नहीं लग रहा। देश को चंद्र की महादशा चल रही है, चंद्र ग्रहण का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है, जैसे मैंने तारीखें बताई, परंतु ग्रहण के और भी कई प्रभाव है, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय, देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हों, बुध का अंतर कुंडली में चलने हो, ये तो सारे तनाव के समय है, परंतु देश की कुंडली में बुध का अंतर चलने से देश की आर्थिक स्थिति, शेयर मार्केट, इन्फ्लेशन, महंगाई इत्यादि नियंत्रण में रहेंगी। बुध अच्छा होने से ग्रहणों के असर आर्थिक स्थिति पर खराब नहीं पड़ रहे, ये देश के लिए बहुत अच्छा है। देश की आर्थिक खुशहाली आगे बढ़ती रहेगी। टेरर, हिंसा, भूकंप, राजनीतिक अस्थिरता किसी भी प्रकार चले,
देश की शेयर मार्केट, आर्थिक स्थिति, महंगाई इत्यादि पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, वो ठीक लग रहा है। देश की कुंडली में 16 से 21 नवंबर तक चंद्र मादशाएँ, बुध में शुक्र और शुक्र में मंगल का 5 दिन का टुकड़ा चल रहा है। ये 5 दिन का टुकड़ा काफ़ी घातक है, किसी में ग्रहण लग रहा है। ये ग्रहण लग रहा है जैसे 19 तारीख को तो 16, 17, 18, 19 और उसके बाद के दो दिन ये खराब चलेंगे। इसलिए 19 और 21 तारीख काफ़ी हिंसक हो सकती है, इसमें भूकंप इत्यादि आ जाता है। और कोई मंगल का जो पीरियड है इसमें भूकंप को आते देखा गया है। और मंगल भारत का मारक ग्रह भी है, और जब इसका टुकड़ा आता है तो भारत कहीं ना कहीं तनाव से गुजरता है। इसमें आतंकवाद होता है, पाकिस्तान से बड़ी झड़प होती है, पाकिस्तान ने उरी इत्यादि जब भी घटनाएं ऐसी घटी है मंगल के राशि परिवर्तन या मंगल के टुकड़े में हुआ है, बालाकोट हो, उड़ी हो, इस प्रकार की समस्या। और शुक्र भारत का लग्नेश भी है तो उसके छोटे अंतर में मंगल का छोटा अंतर बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए भूकंप के झटके थोड़े से नज़र आ रहे हैं। बड़ी आतंकवादी घटनाओं के संकेत दक्षिण पश्चिम उत्तर भारत में या पूर्वी भारत में आ सकते हैं। 21 नवंबर से 4 दिसंबर के मध्य देश की कुंडली में चंद्र, शुक्र और राहु के टुकड़े चलेंगे। इन टुकड़ों को विशेष करके 1 और 2 दिसंबर, 3 और 4 दिसंबर काफ़ी तनावपूर्ण हो सकते हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से अचानक उथल पुथल वाले हो सकते हैं। इस घटनाक्रम में दिल्ली, NCR, उड़ीसा, बंगाल, असम, अरुणाचल इत्यादि स्थानों पर भौगोलिक और 3 या 4 तारीख को भूकंप जैसी अन्य दुर्घटनाएं होना, हॉस्पिटल इत्यादि में जुड़ी दुर्घटनाएं होना या कुछ महत्वपूर्ण घटना चक्र जो चौंकाने वाले हो सकते हैं वो हो सकता है। क्योंकि 4 तारीख को सूर्य ग्रहण भी है तो भारी राजनीतिक अस्थिरता विभिन्न राज्यों में और देश की केंद्रीय सरकार में अन्य सरकारों में उस स्तर पर परिवर्तन हो सकते हैं। सरकारों और राजनीतिक पार्टियों में उस स्तरीय परिवर्तन संभव होंगे और जो लोग इनसे प्रभावित हो सकते हैं उनके नाम के अक्षर इस प्रकार हैं, ANTUVRPKJ और M। इस समय में देश की आंतरिक सुरक्षा में सेंध लगाने वाले और एस्पोनेज वाले स्पाइनर्स को सपोर्ट करने वाले योग बने हुए हैं। विशेष करके 1 से 4 दिसंबर में भीतर घात, सेबोटाज, स्पाइनर्स इत्यादि का समय बना हुआ है। 1 से 4 दिसंबर और इसके मध्य भी 3 और 4 की जो मध्य रात्रि है इसमें चौंकाने वाले परिणाम ये ग्रह दे सकते हैं। इसके उपरांत 4 दिसंबर से 16 दिसंबर के मध्य देश चंद्र, बुध, शुक्र, गुरु की दशाओं से गुजरेगा। इस समय तक बृहस्पति अपनी राशि बदल चुके होंगे जो कि शुभ है, कुंभ राशि में जो कि शुभ है। 8 तारीख को राशि बदलकर देश के लगने शुक्र अष्टम से नवम भाव में जा रहे होंगे, तो देश सुरक्षित वातावरण में और राजनीतिक सुरक्षा के देश दृष्टिकोण से प्रवेश करेगा, सुरक्षित हो जाएगा 8 के उपरांत। जो कि इससे पहले जो भूतकाल में इस प्रकार जब भी समय गए हैं तो भारत नुकसान हुआ, परंतु बृहस्पति का जो पीरियड चल रहा है 4 से 16 दिसंबर के मध्य सरकार और न्यायालय में, विशेषकर उच्च न्यायालय में विभिन्न मुद्दों को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों को और आर्थिक फैसलों को देखकर सरकार और उच्च न्यायालय में भारी तनाव हो सकता है। सरकार अपने पक्ष से झुकेगी नहीं इस समय। इसी समय सप्तम भाव में मंगल का भ्रमण हो रहा है। किसान, फौज, पुलिस से जुड़ी न्याय प्रक्रिया और इनसे जुड़े फैसले, सरकार इन्हीं के ऊपर अपना सारा फोकस, सरकार इन्हीं पे कोर्ट के साथ में तनाव में जा सकती है। पूरे देश का फोकस इन्हीं पर लगा हुआ होगा, इन्हीं से जुड़े मुद्दे परेशानी के हो सकते हैं। कोर्ट अपनी बात कहेगा, सरकार अपनी बात कहेगा, परंतु इन सब के बीच में जब भी बृहस्पति का थोड़ा सा भी टुकड़ा आता है तो चीन से समस्या आती है। चीन इस समय ओवर एक्टिव हो सकता है, विशेष करके 10 से 14 तारीख के मध्य चीन से परेशानी हो सकती है। चीन तेज़ी से आगे बढ़ सकता है और देश की कुंडली में शुक्र मंगल की स्थिति अच्छी है, जो कि चीन को थप्पड़ पड़ सकता है, चीन मौकी खा सकता है। 4 से 14 के बीच में चीन एडवेंचरस हो सकता है, 10 और 14 के बीच में विशेष रूप से, लेकिन चीन शुक्र मंगल की भारत की स्थिति अच्छी होने से मौकी खा सकता है, पिटाई खा सकता है, जबकि चीन के सहयोग में मंगल के कारण पाकिस्तान थोड़ा सा जा सकता है, परंतु भारत की स्थिति उत्तर है तो पिटाई हो सकती है चीन की।
भारत के हाथों 10 और 11 दिसंबर को ये हो सकता है। 10 और 11 दिसंबर को भूकंप के भी थोड़े से ही हो गए, 8 दिसंबर के उपरांत सर्दी का भारी हो गया, भारी बर्फबारी तीव्र सर्दी का योग बनेगा देश में, देश के पश्चिम भागों में बाढ़ इत्यादि से तबाही के योग बनते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।